Hello students, welcome to Physics Inspiring Minds classes. Today we are going for the online lecture 6. Last lecture में हमने discuss किया था electric field के बारे में. आज भी हम electric field को ही continue कर रहे हैं. So we discussed about the definition of electric field. We discussed about the formula for electric field. We discussed about the direction of electric field. तो direction के बारे में हमने ये सीखा था एक बार फिर से कि अगर हमने direction को represent करना है तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक प्लेट है पॉजिटिव और ये एक प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लेट है नेगेटिव तो डायरेक्शन हमने ये सीखी थी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा कहां से कहां जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बच्चों आपने रिप्रेजेंट करनी है ये फिक्स है इसको कोई भी चेंज नहीं आपने लेकर आने हमेशा फिक्स रहेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके साथ साथ हमने एक और बात भी डिस्कस की थी वो ये कि अगर यही प्लेट के बीच में बाय चांस एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसी प्लेट के बीच में एक प्रोटॉन आ जाए तो दोनों के साथ क्या होगा तो ये बात आप नोट की फॉर्म में शुरुआत कर सकते हो नोट की फॉर्म में वो क्या कि सबसे पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए पहला नोट कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा इलेक्ट्रॉन विल गेट डीएक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा डीएक्सेलरेट कर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव से दूर इसी तरह से अगर प्रोटोन आ जाए तो प्रोटोन के बारे में सीखा था कि प्रोटोन जो है इट विल गेट एक्सेलरेट प्रोटोन जो है वो क्या कर जाएगा प्रोटोन एक्सेलरेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन विल गेट डीएक्सेलरेट एंड प्रोटोन विल गेट एक्सेलरेट इसी तरह से अगर कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर इसके अंदर अगर मान लीजिए अब एक्सेलरेशन आई गई है डीएक्सेलरेशन आई गई है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी व्हाट विल गो फॉर एक्सेलरेशन कि अगर एक्सेलरेशन हमें देखनी हो कि जैसे प्रोटॉन है प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का ढूंढेंगे कैसे तो देखिए बड़ा सिंपल है हमने कब फॉर्मूला डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि फोर्स जो है कई बातें हमें पता करनी है मान लीजिए हमें यह भी पता करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस प्रोटोन का जो एक्सेलरेट कर रहा है प्रोटोन इज एक्सेलरेटिंग प्रोटोन एक्सेलरेट कर रहा है ठीक है जी इसका ए पता करना है हमें कि ए कितना होगा हमें यह पता करना है कि यही प्रोटॉन का डिस्टेंस कवर कितना होगा हमें यह पता करना है कि यही प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या होगी क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आई है तो प्लस वन से हमें यह तो पता लग ही चुका है कि डिस्टेंस भी ढूंढा जा सकता है और वेलोसिटी भी ढूंढी जा सकती है सो एक्सेलरेशन के बारे में पहले बात करेंगे तो फोर्स किसके बराबर होती है फोर्स हमने डिस्कस कर लिया कल ही कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई जो ये क्यू है ये कौन सा चार्ज था दिस इज द टेस्ट चार्ज अब देखिए यहीं से कंटिन्यू कर लीजिए बट प्लस वन से फोर्स के बारे में एक और फॉर्मूला हमने सीखा है वो क्या कि फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन क्यू नॉट इनटू ई लीजिए पहला आंसर आ गया कि एक्सेलरेशन कितनी होगी क्यू नॉट वैल्यू पुट करोगे टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की और मास के साथ उसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है मास किसका मास इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ठीक है जी चार्ज का कितना मास होगा जैसे प्रोटॉन है उसका मास कितना होगा वो वैल्यू आपने पुट कर देनी है चार्ज दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा मास दिया जाएगा यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए ये ए पार्ट हो गया बी पार्ट डिस्टेंस ढूंढना तो बड़ा आसान काम है डिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हो डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो किसका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटॉन है इनिशियली वो क्या होगा रेस्ट पोजीशन पे होगा तो अगर यू इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है प्रोटॉन रेस्ट पोजीशन पे अगर यू इनिशियली क्या होगी दैट विल बी जीरो तो डिस्टेंस कितना आ गया डिस्टेंस आ गया हाफ ए टी का स्क्वायर टाइम पे रिपोर्ट करोगे यू कैन फाइंड आउट द आंसर सिमिलरली अगर वेलोसिटी ढूंढनी हो कि वेलोसिटी कितनी होगी तो वेलोसिटी के लिए वी हैव द फार्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सॉल्व इट So, ये हमारे पास तरीका है तीनों चीजें पता करने का कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें आ जाता है कि एक प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है बताइए उसकी एक्सेलरेशन कितनी
बताइए उसका डिस्टेंस कवर कितना, बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी। तो तीनों वैल्यूज हम इन फॉर्मूलेस के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से एक और पॉइंट भी है, ये तो थी एक दो प्लेट्स के बीच का कंसेप्ट कि दो प्लेट्स के बीच में प्रोटोन एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इस प्रकार से आएगा। अगर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दें, थोड़ी सी सिचुएशन क्या चेंज करें, नोट नंबर टू, सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि अब हमने क्या किया, यही हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी, वही दूसरी तरफ हमारे पास थी पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट भी है पॉजिटिव प्लेट भी है। मैंने अब क्या किया, मैंने वही चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन को यहां पे रखा हुआ था, इनिशियली आयन है प्रोटॉन है यहां पे रखा हुआ था, मैंने उसको ऊपर की तरफ ले, वो प्रोटॉन को मैंने अपनी इनिशियल वेलोसिटी देखे ऊपर की तरफ लेकर, ये ऐसे। अब जब मैंने अपनी इनिशियल वेलोसिटी देखे प्रोटॉन को ऊपर की तरफ भेजा, तो डेफिनेटली वो प्रोटॉन कौन सा है, वो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट क्या कर देगी, रिपेल कर देगी डेफिनेटली, और ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा मेरी वेलोसिटी के कारण, लेकिन दूर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको वहां से क्या मिलेगी है, रिपल्शन मिल जाएगी। मैंने इस प्रोटॉन को कितने एंगल के साथ फेंका, लेटली से मैंने इस प्रोटॉन को थीटा एंगल के साथ फेंका, थीटा एंगल के साथ जब मैंने किसी प्रोटॉन को फेंका तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। अगर इसको थोड़ा सा प्लस वन की तरफ जोड़ा जाए तो आपके दिमाग में अब तक आ चुका होगा कि अब ये क्या हो चुका है, ये एक प्रोजेक्टाइल हो चुका है, यानी कि अब इसके अंदर भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, कि ये कितना दूर जाएगा, तो देखिए ध्यान रखना ये अब जो जा रहा है किसके कारण जा रहा है, ये ग्रेविटी के कारण वापस नहीं आया, ये किसके कारण वापस आया है, ये एक्सेलरेशन के कारण वापस आया है, नीचे की तरफ इसकी क्या है, नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट हुआ है। प्रोजेक्टाइल जो प्लस वन में किया था उसमें वो जो बॉडी नीचे आती थी वो ग्रेविटी के कारण आती थी, यहां पे नीचे आया था इस पॉजिटिव की रिपल्शन के कारण, सो नो डाउट ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। जब एक्सेलरेट कर रहा है तो रेंज का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, बस जहां पे जी है वहां पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं आया, एक्सेलरेशन मिली है उसको रिपल्शन की तरफ से। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे ही हाइट पता करनी हो तो हाइट भी पता की जा सकती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ए। सिमिलरली अगर टाइम पता करना हो कि इसको कितना समय लगा वापस आने तक, तो वो भी पता किया जा सकता है, दैट इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय ए। अगर हमें वेलोसिटी पता करनी हो कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो भी पता की जा सकती है, दैट इज इक्वल टू रूट सेम फॉर्मूला वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ये वाली, ये दो कंपोनेंट्स में हो जाएगा वी एक्स ये वी वाई और नेट वेलोसिटी कितनी, दैट इज इक्वल टू वी। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं चार्ज के ऊपर, चाहे वो सीधे की तरफ आए चाहे वो एक एंगल की तरफ से। तो ये एक खास बातें हैं प्रोटॉन के लिए कि अगर प्रोटॉन एक्सेलरेट करता है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको सिंपल डिस्टेंस वेलोसिटी इनिशियल और एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो उसको आपने नोट कर लेना है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आने के। नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल पोर्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन कैसा आएगा, फोर्स का न्यूमेरिकल पोर्शन आपको याद होगा, फोर्स का न्यूमेरिकल पोर्शन कैसा था, फोर्स में था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बताइए फोर्स कितनी था उनके बीच में, ऐसे भी न्यूमेरिकल देखे थे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर भी एक पॉजिटिव, ठीक है ट्रायंगल बन रही है, बताइए इस पॉइंट पर फोर्स कितनी आएगी, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल फोर्स के आपने देखे हैं। लेकिन इन सभी में आप करते क्या थे, इन सभी में आप डायरेक्शन मार्क करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करते थे कि ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव को रिपेल कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे भी आप यही करते थे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये सब कुछ आपने किया है फोर्स के न्यूमेरिकल के लिए। और लगाते आप क्या थे, यहाँ पे आप कूलम्स लॉ लगाते थे कि Q1 Q2 / R²
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर उन्हें न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं तो हमें क्या चाहिए हमारा, अब अगर तो फोर्स के ऊपर डिपेंड रहने लगे कि फोर्स भाई जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अगर तो फोर्स के ऊपर डिपेंड रहने लगे कि पहले हम फोर्स ढूंढेंगे फिर टेस्ट चार्ज के साथ डिवाइड करेंगे, फिर तो फर्क ही क्या पड़ा, फिर तो वो पहले भी हो रहा था, ठीक है जी, फिर तो वापस आना ही पड़ेगा कूलम्स लॉ के ऊपर। अगर कूलम्स लॉ यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर यूज करेंगे वो कूलम्स लॉ अप्लीकेबल हो नहीं सकता, रीजन मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज के ऊपर ही कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है, प्लेट्स के ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई हो नहीं सकता, तो फोर्स ढूंढना मुश्किल काम है इस रिलेशन के द्वारा, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि हमें ये फोर्स छेड़नी ना पड़े, हम ये फोर्स का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है लेकिन तरीका नहीं आता, यही इस चैप्टर में खास बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टॉपिक है कि हम इसमें यही ढूंढते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट फॉर्मूलास क्या होंगे जिनको अप्लाई करके हम अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सके। तो जैसे सबसे पहला मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंगल चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। सो पहला आर्टिकल आपका पहला डेरिवेशन दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल, वर्ड है मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब, मोनोपोल का मतलब सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी ये हम ढूंढना चाहते हैं ताकि हम अपने न्यूमेरिकल्स को आसान कर सकें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल दैट मीन्स सिंगल चार्ज। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आप मान के चलिए कि हमारे पास एक चार्ज है, लेट वी से दैट चार्ज वैल्यू इज क्यू, ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है क्यू। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह पे है, हर जगह पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका। अब इसके कुछ दूरी पे, अब हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आपको तरीका पता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज को ड्रॉ करके नहीं पता कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी कुछ दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रखना होगा जिसकी वैल्यू इसके कंपैरेटिवली मिनिमम है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, लेट मी से कितनी दूरी पे रखा है वो मैंने रख दिया इसको आर दूरी, मैंने आर दूरी पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के वैल्यू को पता करने के लिए। अब देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज है कौन सा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉइंट है, ये मैं क्या मान के चलूंगा कि एक टेस्ट चार्ज है एक पॉइंट है दैट इज पी। जब भी मैं इस इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के आने वाले टाइम पे मैं वर्ड टेस्ट चार्ज नहीं यूज करूंगा, मैं पॉइंट यूज करूंगा, तो आप समझ लेना कि अगर मैंने पॉइंट पी मार्क किया दैट मींस देयर इज सम चार्ज, और वो चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज है और पॉजिटिव है। सिमिलरली ये चार्ज भी कौन सा है, ये भी पॉजिटिव है जिसकी हमने इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पता करनी है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अवे, ठीक है जी। तो हमने इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना कहां पे है, इस पॉइंट पी के ऊपर, तो इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट इज अवे फ्रॉम दिस, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, दैट इज अवे फ्रॉम इट, ठीक है जी, पी पॉइंट से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। वही अगर ये नेगेटिव होता तो मैं डायरेक्शन इसकी तरफ बना सकता था, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव के लिए भी, फिलहाल ये पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज हो, डायरेक्शन मार्क करने का तरीका भी देख सकते हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक पॉइंट के ऊपर देखना हो तो पॉइंट से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अवे, इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज हो एक पॉइंट पी के ऊपर देखना हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज टुवर्ड्स, ठीक है जी। तो ये बात का भी आपने ध्यान रखना है कि मैं अब तक डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव के ऊपर मार्क कर रहा था क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन वहां पे ही देखनी होगी इसके कारण, तो वहां पे मैं डायरेक्शन मार्क करूंगा, मुझे अब यहाँ पे डायरेक्शन मार्क करने की जरूरत नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है सिंपल सा काम है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है वहां पे डायरेक्शन मार्क कर देनी है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन मार्क कर दिया, चलिए इतना काम है। सो वी कैन से दैट वी कंसीडर पॉइंट पी placed at distance r from charge q,
क्यू, ठीक है जी। एक पॉइंट चार्ज रखा है पी पॉइंट के ऊपर, एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, ठीक है जी। वहां पे हमने एक चार्ज रखा है और वो चार्ज की दूरी कितनी है आपकी दूरी से, कितना से क्यू चार्ज की दूरी से, ओके। अब हमें अब ये पता करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितनी होगी दोनों के बीच में, यानी कि सबसे पहली शुरुआत तो वही करनी है जो सीखी है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू के फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकेंड चार्ज क्यू नॉट, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आर का स्क्वायर, पहला काम हमारा खत्म, ठीक है जी। दोनों के बीच की फोर्स हमें पता लग चुकी है। इसी के साथ जो कल सीखा था क्या, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये रिलेशन जो फर्स्ट वाला है उसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, क्यू नॉट ऑलरेडी था, क्यू नॉट के साथ क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। लो जी ये तो फिर सिमिलर काम ही हो गया फोर्स जैसे, बस फोर्स में क्या था, फोर्स में एक टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्या होगा बस वो टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई होगा। काम बड़ा सिंपल कर लिया कि जो चार्ज दिया है उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर पता करना है तो सिंपली वो चार्ज की वैल्यू पता पुट कर दो, और कितने डिस्टेंस तक पता करना है वो डिस्टेंस पुट कर दो। यू कैन सिंपली फाइंड आउट द रिलेशन फॉर, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके अंदर ये जो के है ये कॉन्स्टेंट है वैसा ही जैसा फोर्स के अंदर देखा था, और वो कॉन्स्टेंट कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। हाँ अगर मीडियम की बात होगी तो इन मीडियम मैं शॉर्टकट ही चल रहा हूं कि मीडियम में अब आप जैसे फोर्स मीडियम के अंदर देखते थे तो क्या करते थे, फोर्सिंग वैक्यूम ओवर कितना मीडियम है, ऐसे हम सिमिलरली अगर हम ऐसे सॉल्व करें फोर्स जैसे ही तो सेम आंसर ही आएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम में पता करनी है तो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, सिंपली पहले इसमें वैल्यू पुट कर दो, जिस मीडियम के अंदर रखा है अगर वाटर के अंदर रखा है तो 80 के साथ डिवाइड कर दीजिए, ग्लास के अंदर रखा है तो 10 के साथ डिवाइड कर दीजिए, मेटल के अंदर रखा है तो इन्फाइनाइट के साथ, और अगर एयर में है तो 1 के साथ। तो इस तरह से आप मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ सकते हो। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखना हो कि इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो वेक्टर फॉर्म की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है जी। तो ये रिलेशन हमारे पास कंप्लीट हो गए कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज हो तो उसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जी पहला आर्टिकल आपका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल सिंगल चार्ज। यहां पे हमारे पास अब न्यूमेरिकल्स के गेट ओपन हो जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के हैं। सबसे पहली बात न्यूमेरिकल्स देखने के लिए, अब देखिए कि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज के कारण करना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये किसी शुरू करते हैं नोट की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ ट्राई करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट वी से क्यू, हमें पता करना है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले डायरेक्शन मार्क किया कि पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अब ये होगी। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, सिंपल पोटेंशियल की बात। सेकेंड पार्ट, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर देखनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, क्यों चार्ज है, दूरी कितनी है आर है, तो वही क्या होगा पी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, ठीक है जी। पॉजिटिव कारण अवे है, नेगेटिव के कारण क्या होगा, टुवर्ड्स। आंसर कितना आ गया, आंसर फिर से वही E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर।
ये दो खत्म हो गए। तीसरा, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, अब देखिए अब यहां पर डिफरेंस होना शुरू हो गया, एक नया डिफरेंस। क्या दिमाग में बैठा कर रखना कि जो फोर्स है जब उसको ढूंढते थे, तो अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम डायरेक्शन मार्क करने के लिए क्या करते थे, ये पॉजिटिव, हमें अगर डायरेक्शन मार्क करनी हो इसकी, तो हम क्या बोलते थे कि ये पॉजिटिव इस चार्ज से दूर जाएगा और ये सेकंड नंबर चार्ज फर्स्ट से दूर जाएगा। इस तरह से हम फोर्स ढूंढ लेते थे, ठीक है। फॉर्मूला क्या करते थे, F is equal to K, Q1, Q2 by R square, सिंपल। लेकिन फोर्स जो थी उसकी डायरेक्शन मार्क करनी होती थी हमने चार्ज के ऊपर। अगर फोर्स की डायरेक्शन मार्क करनी है तो हम चार्ज के ऊपर ही मार्क करते थे। यहां पे आपको फर्क पड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कोई चार्ज के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये तो पूछा जाएगा, लेकिन हमेशा क्या माना जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पूछना है तो किसी पॉइंट के ऊपर पूछा जाएगा। पॉइंट मतलब टेस्ट चार्ज, ये रूल है। अगर ऐसा ना हुआ तो समझ लीजिए क्वेश्चन गलत है। याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे प्लेट की हो, चाहे दो चार्जेस की हो, चाहे इनफाइनाइट चार्जेस की हो, उनको 100% उस इनफाइनाइट चार्जेस के सामने क्या मार्क करना पड़ेगा, एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है और वो पॉइंट क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज होगा। यानी कि फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, फोर्स हमेशा चार्ज के ऊपर मार्क होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किसके ऊपर मार्क होगी, पॉइंट के ऊपर मार्क होगी। पॉइंट उनकी मर्जी है, क्वेश्चनर है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पॉइंट कहां पर दिया हुआ है। लेट मी से हम यहां पर मान के चल लेते हैं अपनी तरफ से कि पॉइंट यहां पर मार्क था। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैं मार्क भी कर लेता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यों, दोनों सेम वैल्यू के हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, हमें पी पॉइंट के ऊपर इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करनी है कितनी होगी। तो अब करेंगे क्या, अब सोचने वाली बात है कि अब हमें करना क्या है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पी के ऊपर है, ये मान लीजिए ये सेकंड नंबर चार्ज है, ये फर्स्ट नंबर चार्ज है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू सेकंड चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू फर्स्ट चार्ज। तो सेकंड के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव है तो बताया था पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज अवे, इसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज E2। इसी तरह से अगर फर्स्ट ये वाला चार्ज है, फर्स्ट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, दैट इज ऑल्सो अवे, तो हम क्या मार्क कर लेंगे, फिर से यहीं से क्या होगा, ये दूर जाएगा, दैट इज ऑल्सो अवे, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जाएगी E1। हमें क्या ढूंढनी है, हमें ढूंढनी है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो सिंपल सा काम हो गया, क्या करना है हमें, दोनों के डायरेक्शन क्या है सेम, हम क्या करेंगे E1 ढूंढेंगे, फॉर्मूला वही KQ/R² E2 ढूंढ लेंगे, फॉर्मूला वही KQ/R² और ये R क्या है, ये डिस्टेंस है, और वैल्यू पुट करेंगे, यू कैन फाइंड आउट दी आंसर। सिंपल सा काम है, वैल्यूज आपको दी जाएंगी, और ये डिस्टेंस क्या होगा, यहां से डिस्टेंस दिया जाएगा कि ये सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस है R1 और ये जो फर्स्ट चार्ज है इसका डिस्टेंस क्या है R2। सॉल्व कर लेंगे, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो सारा का सारा कांसेप्ट इसी तरह से ही मार्क होता है। हाँ, पर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डिस्टेंस कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी कि इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है और इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों तो अगर दिए हैं तो बीच वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, वैल्यू पुट करोगे कि E1 की वैल्यू कितनी, E1 की वैल्यू पुट करोगे K Q ओवर ये वाले चार्ज की अगर बात करें तो R' प्लस E2 कितना K Q/R, वैल्यू पुट करनी है आंसर है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पता कर ली है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास, और कौन कौन से एग्जांपल्स, जैसे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पे हमारे पास एक पॉइंट पी है, बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो ये बताना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज सेम चार्जेस, दीज आर सेम चार्जेस क्यू एंड क्यू, तो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो पॉइंट पी यहां पे है,
पॉइंट पी है, तो नेगेटिव के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अट्रैक्शन, दिमाग में रखिए दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स। सो ये मान लिया क्या नंबर है चार्जेस ई टू। इसी तरह से फर्स्ट नंबर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अट्रैक्शन दैट इज ऑलवेज अवे, पॉजिटिव के कारण अवे पॉइंट पी के ऊपर ही। ये हमारे पास दूसरी आ गई दैट इज ई वन। अब हमें क्या ढूंढना है, दोनों डायरेक्शंस क्या है एक दूसरे से ऑपोजिट, हमें क्या ढूंढनी है यहां पे, हमें ढूंढनी है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। अब देखिए एक नया काम, नेट ढूंढना है, दिमाग में बैठ गया कि नेट का मतलब क्या है, एक दूसरे से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस तो सेम है, ध्यान सुनिए मेरी बात, कि दो चार्जेस तो सेम है, क्या इन दो चार्जेस जो कि सेम है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम आएगी? दो चार्जेस की वैल्यू सेम है, क्या इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम आएगी? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज़ ये जो सेकंड नंबर चार्ज है इसका डिस्टेंस पॉइंट पी के साथ काफी नजदीक है, लेट मी से आर वन, और ये जो फर्स्ट नंबर चार्ज है इसका डिस्टेंस पॉइंट पी से काफी दूर है, लेट मी से आर टू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये डिस्टेंस लेस उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मोर। अब कौन सा डिस्टेंस लेस है, ये डिस्टेंस लेस है टू का, पॉइंट पी से डिस्टेंस लेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज मोर, क्या है E2, बड़ा था, ठीक है जी, पहला लिखेंगे। E1 छोटा है, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसकी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें से E2 में से E1 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि E2 का डिस्टेंस लेस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1 का डिस्टेंस ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेस है। लो जी, बस पे वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ / R स्क्वायर, यू कैन सॉल्व इट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। आगे फिफ्थ नंबर चलते जाएंगे, बड़े आसान सा कंसेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब पॉइंट पी मार्क कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट पी कहां पे मार्क कर रहा हूं, सेंटर, पॉइंट पी मार्क कर रहा हूं सेंटर, दोनों के सेंटर पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क की है। ये चार्ज है क्यों, दोनों सेम चार्जेस हैं, अब अंदाजा अब ये लगा लो कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, पॉजिटिव से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेट वी से जितना होगा उतना ही इस पॉइंट से नेगेटिव का डिस्टेंस भी होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि पॉइंट सेंटर पे है, दोनों पॉइंट से पॉजिटिव का और नेगेटिव का डिस्टेंस सेम है, तो मैंने भी क्या करके चलना है, सेम ही मान के चलना है, दोनों के डिस्टेंसेस क्या है, आर। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई पॉजिटिव है, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अबे ये हो गया काम खत्म, दिस इज वन, तो इसे हम मान लेते हैं दिस इज ई वन। इसी तरह से हमारे पास ये सेकंड नंबर चार्ज है, सेकंड नंबर चार्ज के कारण ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज टुवर्ड्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ये टू आ गया, बस काम वही है। अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, फिर वही कंसेप्ट कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, E1 प्लस E2, दैट्स इट। एक और सिक्स नंबर, सिचुएशन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम चार्ज, पॉइंट पी सेंटर, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वन नंबर है, ये टू नंबर है, तो पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे E1, इस पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन अवे E2, डिस्टेंसेस क्या है दोनों के, डिस्टेंसेस वही ऊपर की तरफ सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये हो जाएगा E1 माइनस E2। लेकिन अब E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आंसर लिखेंगे, वही KQ चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज था, दोनों सेम थे, डिस्टेंस भी सेम है, आर का स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी होगी, KQ / R का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी।
यानी कि अगर दो सेम चार्जेस हैं और सेंटर में पॉइंट पी मार करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्शन जाएगी जीरो आएगी। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का फोर्स की तरह मेलजोल खा है, लेकिन फोर्स से काम अलग। फोर्स पे हम पॉइंट नहीं मार करते थे, यहाँ पे हम पहले पॉइंट मार करेंगे कि अगर भाई इन दोनों के कारण, इन दोनों की अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठी देख रहे हैं कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी होगी। सो फोर्स जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, पॉइंट मार्क करके ही काम आगे बढ़ेगा डायरेक्ट। और फोर्स जैसी थोड़ी सी और जान पहचान करवा रहा हूं, फोर्स जैसी न्यूमेरिकल्स की, जैसे फोर्स में आपने ये सेवन नंबर बता रहा हूं, सेवन नंबर कंसेप्ट। सेवन में हमारे पास क्या है, सेवन में हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट पी मार्क किया हुआ है। हमें पता करना है कि इन दोनों के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है जी। इन दोनों के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हमने क्या किया, पहले तो वैसे ही अपनी तरफ से ज्वाइन कर लेना इसको, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ये नेगेटिव पॉइंट पी के साथ जोड़ लिया, ये पॉजिटिव पॉइंट पी के साथ जोड़ लिया, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, डिस्टेंस इज सेम। तो अब एक चार्ज है हमारे पास वन नंबर, एक चार्ज है हमारे पास टू नंबर, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या होगी, दैट इज ऑलवेज अवे, लेट मी सी कितना, E2। नेगेटिव का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट E के ऊपर क्या होगा, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स, तो ये कितना हो गया E1, ये कितना हो गया, कुछ याद आया, फोर्स में ऐसे कुछ करते थे कि अब ये अगर तो सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस माइनस करना है। अब ये कहां पे, ये ट्रायंगल बन चुकी है, ये ट्रायंगल कौन सी बन गई, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, तो डेफिनेटली अब हमने ये ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम इनका एक रिजल्टेंट ढूंढेंगे, ये मैंने मार्क कर दिया एक रिजल्टेंट और वी विल जॉइन दी पैरेलल। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब आगे बढ़ते हैं, अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढनी है, लेट मी से ये मुझे क्या ढूंढना है, रिजल्टेंट ढूंढना है, दैट इज ई, तो ई कितना होगा, तो ई ढूंढने के लिए वही अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ई इज इक्वल टू रूट ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, मतलब ई वन और ई टू के बीच का एंगल, ये वाला। अब खुद सोचो कि ई वन और ई टू के बीच में एंगल कितना आएगा, तो देखो ये अगर कंप्लीट एंगल करना हो तो ये एंगल कितना था 180, इसमें से ये माइनस क्या कर दिया मैंने 60, ये कंप्लीट 180 था, ये कंप्लीट कितना था 180, उसमें से ये मुझे हिस्सा चाहिए, ये कितना था 60, तो 180 माइनस 60 एंगल कितना बच गया 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा 120 डिग्री, यानी कि अब वैल्यू पुट करने का समय आ गया, हम क्या करेंगे ई वन का स्क्वायर ढूंढेंगे, ई टू का स्क्वायर ढूंढेंगे प्लस टू ई वन ई टू कॉस ऑफ एंगल 120 डिग्री, लीजिए सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है परेशान नहीं है, डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, चार्जेस भी सेम थे, नेचुरल बात है, ये क्यू चार्ज था, ये भी क्यू चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव पुट करना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है चार्जेस भी सेम है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गई ई वन ई टू तो एड कर लेंगे ई के बराबर है या ई डैश के बराबर है, ठीक है जी। ये हम क्या ढूंढ रहे थे, ये हम ढूंढ लेते हैं ई डैश, रिजल्टेंट को मान लेते हैं ई डैश, और ई वन और ई टू एक दूसरे के बराबर है, किसके बराबर है ई के, तो ई डैश कितना आ गया, मतलब नेट कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया रूट टू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ई स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, आंसर कितना आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपली आंसर आ गया के क्यू, यानी कि ये जो आंसर आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक वैल्यू के बराबर।
ये न्यूमेरिकल करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है जी। सो ये मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने, तो ये आप नोट ऑन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कैसे, जब हमारा एक न्यूमेरिकल क्यू एंड ए सेशन हम लगाएंगे न्यूमेरिकल सेशन, तब हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तब हम आपको पता लगेगा कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और याद रखिए कि हमने अब तक क्या किया है, एक ही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ढूंढने की कोशिश की है कि सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, और वही सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर ढूंढनी हो तो कुछ ये मेथड्स थे बेसिक जिनका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए अब हम फोर्स से शुरू हुए हुए हैं, अब फोर्स का तो अल्टरनेटिव आ गया कि भाई ये चार्जेस से हमें ये पता लग गया कि फोर्स कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढनी है, और फोर्स के ऊपर आप आए नहीं है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधा वो फॉर्मूले में पुट करेंगे और फोर्स भी आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब हमने फोर्स का वो मेथड छोड़ दिया जो बड़ा था K1Q2R2, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीखी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे ढूंढनी है, कि अगर दो चार्जेस हों वो इस प्रकार से ढूंढनी है। जैसे जैसे हम एडवांस जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम और शॉर्टकट होते जा रहे हैं, हम और नए नए तरीके ढूंढते जा रहे हैं कि और शॉर्टकट तरीके से कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक शॉर्टकट तरीका और है, अभी आपने देखा था कि मैंने जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए मैंने एक पॉइंट मार्क किया, ये अवे, ये टुवर्ड्स, और जाके सॉल्व किया। मेरे पास इसको सॉल्व करने का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा और सीधा मेरे पास ये कॉम्बिनेशन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना है। यही हमारी डेरिवेशन है जिनको हमने आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हमें कॉम्बिनेशन तैयार करना है कि बहुत सारी ऐसी डेरिवेशन है जहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जो कंसेप्ट है उसमें हमने एक नाम देना है नया, दैट इज कॉल्ड डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कॉम्बिनेशन को। कि अगर हमने सीधा ये फॉर्मूला शॉर्टकट ढूंढना हो कि दो चार्जेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके कैसे ढूंढी जा सकती है, तो उसके लिए वी विल गो फॉर दिस क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एक कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का, कौन कौन से फिक्स है ये, कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब मैं बोलूंगा तो ये एक सिस्टम है, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हुज फर्स्ट चार्ज इज नेगेटिव एंड सेकेंड चार्ज इज पॉजिटिव। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, डायपोल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज, ये दो कॉम्बिनेशन है, ये पूरे को हम क्या नाम देते हैं, ये कॉम्बिनेशन को हम डायपोल का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायपोल। अब वर्ड ये नहीं बोला जाएगा कि एक नेगेटिव चार्ज था एक पॉजिटिव चार्ज था, वर्ड क्या बोला जाएगा कि वी हैव अ डायपोल, और हमने ये खुद फिक्स कर दिया कि डायपोल जब हम वर्ड बोलेंगे तो उसका पहला चार्ज क्या होगा नेगेटिव, दूसरा चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, ये टर्म है, ठीक है। हमने खुद डिसाइड की है कि इसमें जब हमने आगे आर्टिकल सॉल्व करने हैं तो डायपोल को यूज करेंगे, कि जिसमें हम पहला चार्ज ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि नेगेटिव लेना है, दूसरा चार्ज क्या लेना है पॉजिटिव चार्ज लेना है। तो पहले तो मैं डायपोल के बारे में लिखवा दूं कि डायपोल क्या है, लिख लीजिए अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस placed at some distance, ये एक सिस्टम है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का जिनको हमने किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ, ठीक है जी। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, ऑपोजिट चार्जेस हैं लेकिन डेफिनेशन से ये पता लग गया कि चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है, नेगेटिव भी क्यों और पॉजिटिव भी क्यों। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि मैंने ये दो चार्जेस को ड्रॉ कर दिए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। जी हाँ, डायपोल के अंदर हम ये चार्जेस का कॉम्बिनेशन तो ले ही रहे हैं, ये तो फिक्स है कि हमने एक नेगेटिव लेना है दूसरा पॉजिटिव लेना है, इसके साथ साथ हम ये भी फिक्स कर रहे हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये फिक्स है कि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज ऑलवेज 2a।
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, 2a लेना है। मतलब क्या हुआ, a मतलब क्या है कि सेंटर, ये एक सेंटर पॉइंट था, तो सेंटर से जैसे हम r लेते थे वैसे ही सिंबल है, इसमें घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता लग गया कि सेंटर से एक चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है a, और सेकंड चार्ज तक का डिस्टेंस क्या है, दैट इज आल्सो a। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 2a। बस ये काम है, ये हमारे पास क्या बन गया, कंप्लीटेड डायपोल बन गया। तो क्या क्या सीखा आपने, पहला कि फर्स्ट चार्ज डायपोल का क्या लेना है, फर्स्ट चार्ज इज नेगेटिव एंड अदर, दूसरा चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात का ध्यान क्या रखना है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर होंगे, चार्जेस आर इक्वल तभी डायपोल बोलना है। तीसरी बात का ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या रहेंगे, हमेशा आर टू ए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या रखने हैं, टू ए रखने। कई बार क्वेश्चन बच्चा पूछता है मुझसे कि सर ऐसा क्या, सिंबल ही है, क्या फर्क पड़ता था कि अगर एक नेगेटिव रख लेते एक पॉजिटिव रख लेते और ये बोलते थे कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ए, जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, क्या फर्क पड़ता था, ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी कि 2a लिखना है। तो देखिए इसके पीछे कारण है, एक्चुअल बात क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये सेंटर पॉइंट पर डिपेंड करती हैं, दे ऑल आर सेंट्रल फोर्सेस। तो यहां पे हमें बहुत बारी जरूरत पड़ती है कि डिस्टेंसेस को सेंटर से लेना होता है। डिस्टेंस जब भी हम किसी चार्ज का लेते हैं या किसी पॉइंट का लेते हैं तो सेंटर से मार्क करते हैं कि सेंटर से वो पॉइंट कितनी दूरी पे है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने सेंटर से एक चार्ज को देखना है तो डेफिनेटली अगर मैं ए लूंगा तो सेंटर से ये चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, आधा हो जाएगा ए बाय टू, और ये चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, आधा हो जाएगा ए बाय टू। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन है क्या कि ए बाय टू लेने से अगर मैं डेरिवेशन लिखता हूं इसके बाद यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ए बाय टू, तो मेरी डेरिवेशन लेंथी हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, न्यूमेरिकल भी मेरा आगे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा न्यूमेरिकल सिंपल रहे, मेरी डेरिवेशन सिंपल रहे, इस कारण हमने ये एक साइन कन्वेंशन बनने सोच ली है कि ये साइन कन्वेंशन हम मान के चलेंगे कि पहला चार्ज नेगेटिव है और दूसरी साइन कन्वेंशन क्या है कि डिस्टेंस कितना लेना है, 2a लेना है। तो ये कंप्लीट पैकेज क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन अब जब हम आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे, तो आर्टिकल में अगर मैं डायपोल बनाऊंगा या आर्टिकल में पूछा गया है कि डायपोल है, तो मुझे उस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा कि मैं डायपोल का वाकई जिक्र कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। यानी कि फिर फायदा भी क्या हुआ, मान लीजिए डायपोल ले तो लिया, डायग्राम तो बनाना, लेकिन आर्टिकल हम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे चल रहा था, तो उसका तो कोई फायदा हुआ ही नहीं मुझे डायपोल का, मेरा तो वही लेंथी आर्टिकल पहले था, लेंथी अभी रहेगा। तो मुझे अब डायपोल का इस्तेमाल करना तो आ गया, डायग्राम करनी तो आ गई, डेफिनेशन पता लग गई, रूल्स पता लग गए, लेकिन इसका इस्तेमाल फॉर्मूले के लिए कैसा होगा, तो वो हम एक नई क्वांटिटी के द्वारा सीखेंगे जो इसी के नाम से है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जहां पे हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर डायपोल मूवमेंट का जिक्र हुआ है तो मुझे ये क्वांटिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम is called electric dipole moment। और इसको किस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं हम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं p के साथ, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जैसी डेफिनेशन है वैसे ही शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लीजिए, लेट मी सी कितना q, एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन, कितना सेपरेशन डिस्टेंस है, दैट इज 2a, लीजिए काम खत्म हो गया। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। पर आपने नोटिस किया होगा ये क्वांटिटी को मैं कौन सी क्वांटिटी बोल रहा हूँ,
वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये तो जो फॉर्मूला था ये तो इसकी मैग्नीट्यूड को पता करने का है, ये तो एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम आगे डेरिवेशंस में इस्तेमाल करेंगे कि अगर डेरिवेशन में डाइको लिखा हुआ है तो वहां पे हम ये फॉर्मूला लाजमी कहीं ना कहीं यूज करेंगे ताकि मेरा आर्टिकल छोटा हो जाए, मेरा न्यूमेरिकल सिंपल हो जाए। पर वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड का काम तो हो गया, डायरेक्शन कैसी होगी? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड अलग होनी थी, डायरेक्शन फिक्स कर दी थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो डायपोल है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखिएगा, ध्यान रखना है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव किसकी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या चल रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ क्या चल रही है, ऑपोजिट चल रही है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंड दे कैन, देयर इज अ सिचुएशन दैट दे कैन मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना सकते हैं। कई केसेस में हम ऐसा कांसेप्ट देखेंगे। तो लीजिए, दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये क्यों, ये इस कारण कि दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम आने वाले टाइम पे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे में उनमें हम डेरिवेशंस यूज करने लगे हैं। तो वो दो चार्जेस को अलग अलग देखने की वजह से मेरा काम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो वो दो चार्जेस को मैं इकट्ठे ही बोलूंगा कि अलग अलग करने की बजाय सिंपल वी कैन यूज दी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन डायपोल, ताकि अगर कल को दो चार्जेस आ जाए और पूछा जाए कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैं सीधा क्या हुआ, एक ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें मेरे पास ये P होगा, बस जी मुझे क्या करना है, E की वैल्यू पुट करनी है और E पता कर लेना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी काम आसान करने के लिए तो हम फिजिक्स को आगे चलाते हैं, कि अगर पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो मुश्किल है उसको और इजी कैसे करना है, तभी उनके लिए हम नई नई क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को और नए नए तरीकों से कैसे ढूंढना है, आसान तरीकों से कैसे ढूंढना है, उसके लिए हमने नई क्वांटिटी का आगाज किया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वगैरह हमारा आज डिस्कस हुआ है। अगला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं काम करवाऊंगा दैट विल बी ऑफ द 5 मार्क्स डेरिवेशंस, कि 5 मार्क्स की कौन कौन सी डेरिवेशंस हैं जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेरिवेशन हम 5 मार्क्स की शुरू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ढूंढेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ही, लेकिन इस्तेमाल किसका करेंगे, डायपोल मूवमेंट का भी करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।